नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो दोस्तों, मैं करना ये वीडियो लेकर के आई हूँ नेचुरल साइंस का सैंपल पेपर क्लास 9th के बच्चों के लिए। बेटा, जल्द ही आप अपना टर्म सेकंड एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सभी को पता है 40 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का टाइम पीरियड इसके लिए आपको दिया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग किस तरह का आपका पेपर होगा, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो सब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो बने रहें शिक्षा प्रवाह के साथ। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो जो एग्ज़ाम आप देते जाओगे उन सभी के आंसर्स यानी कि आंसर की मार्किंग स्कीम मिलेगी आपको इस चैनल पर। तो दोस्तों, जो आपको सामान्य निर्देश इस पेपर में दिए जाएंगे वो हैं कि सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 खंड में आपका ये पेपर होने वाला है। 15 प्रश्न आपके पूरे के पूरे पेपर में होंगे। खंड ए जो होगा वो 2 अंकों वाले प्रश्न के लिए होगा और इस तरह के 7 प्रश्न होंगे। खंड बी जो होगा वो 3 अंकों वाले प्रश्न के लिए होगा और 6 प्रश्न उसमें होंगे। और खंड सी में 2 केस आधारित प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 4 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लड़का सर्दी जुकाम से ग्रस्त है, यह किस प्रकार का रोग है? सबसे पहले आपको बताना है तीव्र या दीर्घकालिक, और दूसरा 2 दीर्घकालिक रोगों के नाम बताइए। तो ए बॉय इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कॉइड, विच टाइप ऑफ डिसीज इन दिस, एक्यूट और क्रॉनिक, नेम 2 क्रॉनिक डिसीज। इसका आंसर बेटा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर है इक्वेट, एंड सेकंड जिसके अंदर आपको दीर्घकालिक 2 रोग बताने हैं तो डायबिटीज़ एंड ट्रबल कॉसेस ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जो आपसे पूछा गया है वो है, हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेरियस एट पोल्स एंड इक्वेटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। 2 नंबर के लिए बेटा ये प्रश्न है। 2 नंबर वाले 2-3 प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर उनके आंसर देखेंगे। 3rd क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, इफ़ योर वेट इज 66 N ऑन द अर्थ सर्फेस, वट विल बी योर वेट ऑन द मून। ठीक है, आपका पृथ्वी पर जो सरफेस, पृथ्वी सरफेस पर आपका वेट 66 है तो चंद्रमा पर कितना होगा? विल यू मास इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द मून सर्फेस, सेकेंड। और इसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, वो है ए बॉल फ्रीली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, व्हाट इज इट स्पीड्स ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, सेकेंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं बच्चे। अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, इट इज एलिप्सॉइड, वैल्यू ऑफ जी इज कंपेरेटिव मोर एट पोल्स एंड लेस ऑन इक्वेटर ऑफ द प्लानट अर्थ। ये होगा आपका सेकेंड का आंसर। और 3rd के लिए बेटा ए 11 N कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, आपको कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चंद्रमा पर जो वेट होगा वो होगा 11 N। एंड सेकेंड बी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कंस्टेंट रेस्पेक्टेड ऑफ प्लेस, इट विल नॉट चेंज। ठीक है बेटा, और जो और में आपसे पूछा गया है उसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया गया है कि V इज इक्वल टू होता है U प्लस AT, और आपका आंसर इस तरह से आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब है बी, इसके अंदर आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है S इज इक्वल टू 1/2 AT² और इसका आंसर आएगा आपका 20 मीटर। कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपसे जो 2 नंबर के लिए पूछा गया है उसको देख लेते हैं। पर्सनल हाइजीन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, राइट आउट एट लीस्ट 2 more condition रिक्वायर्स फॉर अ गुड हेल्थ। ऑप्शन आपको दिया गया है, हाउ डज अ डॉक्टर डायग्नोज द डिसीज इन अ डिसीज पर्सन। ठीक है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा गया है, नेम 2 subatomic particles ऑल्सो राइट द रेस्पेक्टिव चार्ज ऑन दीज। क्वेश्चन नंबर 6, द मास नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 19 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 9, राइट द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस एटम। क्वेश्चन नंबर 7, 2 नंबर के लिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, 2 एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 6 and 17 आर रिप्रेजेंटिंग बाय एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स। तो देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पब्लिक हाइजीन ईटीसी, आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखना है। और में आप लिख सकते हैं, डॉक्टर डायग्नोज द डिसीज इन अ डिसीज पर्सन बाय ऑब्जर्विंग डिसीज साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है बेटा यहाँ पे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी
दो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एफ आपको जो आप निकालेंगे तो ई निकलेगा आपका 9 और एन आएगा 10, आपको कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 X2 है और 4 है वैलेंसी, 4 है Y, 2, 8 एंड 7 वैलेंसी इज इक्वल टू 1, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो है एन एरोज मूव्स फॉरवर्ड व्हेन रियलाइज्ड फ्रॉम अ स्ट्रेच बो, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। बी अ गर्ल ऑफ 40 kg क्लिम्स अप ऑन हर हाउस टेरेस विच इज 15 feet अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सी गेन्स। इसके साथ आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में आपको दी गई है वट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ बस फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h इफ़ द मास ऑफ द बस इज 1000 kg। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेटा यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल है, जो है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलॉन्ग विद इट इक्वेशन आल्सो राइट टू ऑफ द इम्पोर्टेंस। व्हाट डज जी एंड जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी स्टैंड फॉर द विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 का सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा आपका। बेटा आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन दिख रहा होगा, जिसके अंदर ए मस्कुलर एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी आप इस तरह से सॉल्व करेंगे एंड बी 15 feet इज इक्वल टू 4.5 meter, पी एम जी एच पी 4x 10x 4.5 m इज इक्वल टू 40 × 10 × 4.5 यानी कि 1800 joule। और वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है आप देख लेंगे, यहाँ पर 30 km/h इज इक्वल टू 10 m/s और 72 km/h 20 m/s। इनिशियल कई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगी आपकी 1/2 mv² इज इक्वल टू 5000 joule और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 mv² इज इक्वल टू 2 lakh ही पढ़ा जाएगा, 2 lakh joule वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 2 lakh में से 50,000 अगर आप घटाएंगे तो 1 lakh 50,000 joule आपका काइनेटिक एनर्जी काउंट होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको एक्सप्लेन करना था, अ पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। फॉर्मूला है एफ इजिकल टू जी मल्टीप्लाई m1 m2 और अपोन में r²। द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज डैट इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लांट्स अराउंड द सन, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द फेनोमिना ऑफ रेनफॉल स्नेफॉल एंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स ऑफ द ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बेटा। बेटा 3 नंबर के प्रश्न के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, केमिकल फार्मूला लिखना है आपको और नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, और जो केमिकल फार्मूला यहाँ पर आपको Al2O3 दिया है इसका नाम आपको बताना है और MgO का। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा आपको करना है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एंड बी हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 g ऑफ C12। क्वेश्चन नंबर 10 में ए आ जाएगा आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड बी आ जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्वेश्चन नंबर 11 में C6H12O6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 12 U प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16 इज इक्वल टू 180 U। बी होगा आपका 6.022 × 10³, तो आई मोल एटम इन 12 g इन C12। क्वेश्चन नंबर बारह है बेटा यहाँ पर आपको डिफाइन केशन एंड एनियन, व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म सोडियम एंड क्लोराइड आयरन्स, कैटेगरीज देम इनटू केशन एंड एनियंस आल्सो राइट द सिंबल्स ऑफ दीज आयन्स। क्वेश्चन नंबर 13 भी बेटा साथ के साथ आपका देख लेते हैं, व्हाट इज आइसोटॉप्स राइट, टू एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। बी आइडेंटिफाई द एटम्स हुज स्ट्रक्चर इज शोन इन गिवन डायग्राम, आल्सो राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन। इन दोनों के आंसर बेटा आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है, आयन आर चार्जेस पार्टिकल्स एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम द डैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, पॉजिटिवली चार्जेस आयन्स आर कॉल्ड केशंस, नेगेटिवली चार्ज आयन ऑनियंस केशन, एन ए पॉजिटिव एंड ऑनियंस इज इक्वल टू Cl नेगेटिव।
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस मास नंबर करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स बी Mg 282। सेक्शन सी बेटा अब आपका शुरू। सेक्शन सी में बेटा आपके दो प्रश्न हैं 14 और 15 चार नंबर के लिए। तो 14वां जो प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए वो है राजू ऑब्जर्व डैट इन हिज हाउस फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एवरी डे। फर्स्ट 4 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 वॉट फॉर 8 आवर्स एंड सेकेंड 8 टीवी ऑफ 120 वॉट फॉर 6 आवर्स। थर्ड वाटर पंप्स मोटर ऑफ 100 वॉट फॉर 1 आवर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट राइट द एनर्जी ट्रांसमिशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन ट्यूबलाइट इज स्विच is on। B suggest to measure to save electricity and C what will be his house electricity bill for month of March if given rate of electricity consumed is 3 per unit। 3 units per hour के हिसाब से आपको यहाँ पर इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल काउंट करना है। सेकेंड जो क्वेश्चन इसके अंदर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरनल चॉइस में हाउ मच वाटर पर मिनट द अबव वाटर पंप कैन रेज टू अ हाइट ऑफ 10 meter। सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले ए का जो आंसर यहाँ पे 14 में एक आंसर दे रखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइनस लाइट एनर्जी। बी का आंसर एनी टू मेजर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। सी ट्यूबलाइट 40 वाट की है इज इक्वल टू 0.04 किलोवाट। वाटर पंप 120 वाट तो इसका हो जाएगा 0.120 किलोवाट। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट पर डे कितना 1.28 है ना, क्योंकि 8 घंटे ट्यूबलाइट हो रही है और 6 घंटे क्योंकि टीवी चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय टीवी इज इक्वल टू 0.72। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय वाटर पंप पर डे कितना हो रहा है 1 किलोवाट पर आवर। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पर डे इन द हाउस कितना 3 किलोवाट पर आवर और 3 units। द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन द मंथ मार्च मल्टीप्लाई क्योंकि मार्च के महीने में 31st day होते हैं इसलिए 31st इसलिए 93 किलोवाट और 93 units। और 93 units को अगर हम काउंट करेंगे तो 93 × 3 इज इक्वल टू 279। यानी कि बिजली का बिल जो होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा वो होगा 289 रुपये। और जो क्वेश्चन है जो और में विकल्प आपको दिया था तो P इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। H इज इक्वल टू 10 m। G इज इक्वल टू 10 meter per second। 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। तो इस तरह से मास ऑफ वाटर आपका आ जाएगा 600 kg। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा देख लेते हैं। बेटा चार नंबर के लिए ये वाला प्रश्न भी है यहाँ पर आपका। तो ए डॉग बाइट्स अ बॉय व्हेन ही वाज डिस्टर्बिंग हिम इन अ स्ट्रीट हिज फादर टेक्स हिम टू द डॉक्टर डॉक्टर प्रिस्क्राइब 7 injections टू हिम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए विच डिसीज कैन बी काउज बाय अ डॉग बाइट। द डिसीज इज काउज बाय विच इन्फेक्शंस एजेंट। बी व्हाट आर वेक्टर्स नेम टू वेक्टर्स ब्रॉन डिसीज। See the injections prescribed by the doctor was the vaccine. How this vaccine will save the life of the boy? और में जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज बेटर देन इट क्योर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देख लेते हैं इनके आंसर्स। तो फर्स्ट था डॉग के बाइट करने से कौन सा वायरस होता है तो रेबीज। रेबीज इज अ कॉज बाय अ वायरस। बी वेक्टर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन पैथोजेंस बिटवीन ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। रेबीज डेंगू चिकन गुनिया ETC। सी वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस फ्रॉम इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। दे हेल्प द इंडिविजुअल टू बिल्ड हिज इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज। दीज वैक्सीन विल हेल्प द बॉडी to produce the antibody which fight against a disease causing pathogen and save the life of the individual। इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हैं एज द डिसीज अफेक्ट द बॉडी द फंक्शनल ऑफ बॉडी ऑर्गन्स कैन बी कंसर्न एंड मेडिकेशंस नीड्स विच कैन काउज साइड इफेक्टिंग इंक्लूडिंग एलर्जीज। दीज आर सर्टेन डिसीज डेट कैन नॉट बी ट्रीटेड सो द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा नेचुरल साइंस का क्वेश्चन पेपर सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो बेटा मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अपने साइंस टीचर की मदद लेनी होगी।
ये था आपका सिर्फ एक पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और किस तरह से आंसर्स आपको उनको देने हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो वीडियो को शेयर कर दें, आप अपने दोस्तों तक पहुँचा दें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। शिक्षा प्रवाह पर आप पहली बार आए हैं तो शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप देख सकें अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर, मार्किंग स्कीम, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ETC।